होली का त्योहार आने वाला था। सभी लोग बहुत ही खुश थे। उसी गांव में रहने वाला कन्हैया अपनी पत्नी से कहता है, सुषमा कल होली है और तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है, तो कल इसी खुशी के मौके पर तो मैं बहुत अच्छे से होली का त्योहार मनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं रंग खरीदने के लिए बाजार जा रहा हूँ, जल्दी घर वापस आ जाऊँगा। इतना बोलकर कन्हैया रंग खरीदने के लिए बाजार चला जाता है, लेकिन बाजार जाते समय उसकी जेब से उसका फोन गिर जाता है। जब वह बाजार से रंग खरीद कर घर वापस आ रहा था, तभी उसकी टक्कर एक कार से हो जाती है। आसपास के लोग उसे उठाकर हॉस्पिटल में भर्ती करवा देते हैं, लेकिन उसे ज्यादा चोट नहीं लगी थी, बस उसके सर पर थोड़ी सी चोटें थी, जिसकी वजह से वो बेहोश पड़ा हुआ था। और उसका फोन गिर जाने की वजह से सुषमा को कोई खबर भी नहीं दे पा रहा था, और यहाँ सुषमा घर पर इंतजार कर करके परेशान हो रही थी। अरे भला एक रंग खरीदने में इतना टाइम लगता है, सुबह से शाम हो गई है, अभी तक वो घर वापसी नहीं आए। नहीं, मैं इस तरह हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठ सकती, मुझे उन्हें ढूंढने जाना ही होगा। यह बोलकर सुषमा आधी रात में ही घर से बाहर निकल जाती है। उसके हाथ में उसका फोन और उसने कुछ सोने के गहने भी पहन रखे थे, और गर्भवती होने के कारण वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। हे भगवान, इतनी रात में मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे कान्हा जी, मेरी मदद कीजिए। सुषमा कान्हा जी की बहुत बड़ी भक्त थी, इसलिए वह हर मुसीबत की घड़ी में उन्हीं को याद करती है। तभी उसके सामने बाइक पर सवार कुछ गुंडे आ जाते हैं। अरे ओ हुस्न परी, इतनी रात को अकेले में कहाँ जा रही हो? कहीं भी जा रही हूँ, तुम लोगों से क्या मतलब है? मतलब तुम्हारा इतनी रात में सोने के गहने पहनकर निकलना ठीक बात नहीं है, इसलिए यह गहने हमें दे दो, हम इसे संभाल कर रखेंगे। यह बोलकर उन बदमाशों ने हथियार निकाल लिया, और सुषमा तभी जोर से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे इन बदमाशों से बचाओ। सुषमा के चिल्लाने की आवाज सुनकर उन्हीं बदमाश में से एक आदमी डंडा उठाता है और सुषमा के सर पर बहुत ही तेज वार कर देता है। सुषमा वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है, और फिर वे सारे बदमाश सुषमा का फोन छीन लेते हैं और उसके सारे गहने भी ले लेते हैं। चलो हमारा काम तो हो गया, लेकिन लगता है कि हमने इसे कुछ ज्यादा ही तेज मार दिया। अगर सुबह होते होते ये कहीं मर गई तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा भाई। चलो एक काम करते हैं, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर एक मालगाड़ी खड़ी रहती है, हम इसे ले जाकर उसी के अंदर डाल देते हैं। तभी दोनों बदमाशों ने सुषमा को उठाया और उठाकर उसे मालगाड़ी में डाल दिया। सुषमा मालगाड़ी के अंदर बेहोश पड़ी रही, और वह मालगाड़ी उसके शहर से दूसरे शहर जाने लगती है। तभी रात से सुबह हो जाती है। इधर कन्हैया की हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाती है और वह अपने घर आ जाता है। सुषमा सुषमा कहाँ हो तुम? लेकिन कन्हैया को सुषमा कहीं नहीं मिलती है। तभी वह इधर उधर सुषमा को ढूंढने लगता है। परेशान होकर कन्हैया अपनी माँ को फोन करता है। कन्हैया की माँ बिमला सुषमा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, इसलिए कन्हैया सुषमा को लेकर गांव से बाहर रहता था। जब यह खबर बिमला को पता चलती है कि सुषमा नहीं मिल रही है, तो यह सुनकर वो अपने बेटे से कहती है, अब आ गई ना तुझे अपनी माँ की याद? मैंने तो तुझे पहले ही कहा था बेटा कि यह लड़की भरोसे के लायक नहीं है, इसलिए भाग गई होगी किसी और के साथ। ये आप कैसी बातें कर रही हो माँ, सुषमा ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। अरे वो कैसी है यह मुझे पता है, इसलिए तू रुक, मैं आ रही हूँ तेरे पास। बिमला कन्हैया के पास आ जाती है और सुषमा के खिलाफ अपने बेटे को भड़काने लग जाती है। और इधर मालगाड़ी पूरी रात चलने के बाद एक स्टेशन पे आकर रुकती है। तभी सुषमा को होश आता है, अरे ये मैं कहाँ आ गई और ये स्टेशन कौन सा है? तभी उसने स्टेशन का नाम पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं पढ़ पाई क्योंकि वह किसी और भाषा में ही लिखा हुआ था। तभी सुषमा को रात में हुई सारी घटना के बारे में याद आ जाता है।
अच्छा उन्हीं दो बदमाशों ने मेरे साथ ऐसा किया होगा। और तो और मुझे तो कन्हैया का नंबर भी याद नहीं है। यह सब सोचकर सुषमा स्टेशन पर खड़ी होकर रोने लग जाती है, लेकिन कोई भी उसका साथ नहीं देता है, क्योंकि आजकल लोग अपने ही दुनिया में इतने बिजी हैं कि उन्हें किसी और की तकलीफ दिखाई ही नहीं देती। तभी सुषमा स्टेशन से बाहर निकलती है और उसे वहाँ का माहौल देखकर समझ में आ जाता है कि वह इस समय साउथ के किसी शहर में है। अच्छा तो मैं इस समय साउथ में हूँ और मेरा घर तो नॉर्थ में है, इसका मतलब मुझे नॉर्थ साइड पकड़कर पैदल ही चलना होगा। सुषमा पैदल चलने लग जाती है, लेकिन गर्भवती होने के कारण उसे चलने में काफी परेशानियां हो रही थी, जिस वजह से उसे बीच बीच में रुकना पड़ रहा था। सुषमा फिर से चलने लगती है, लेकिन चलते चलते उसे बहुत तेज भूख लगती है और वह रास्ते में किसी ढाबे पर से कुछ खाना मांगती है, लेकिन ढाबे के मालिक ने उसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया। देखिए मैं बेसहारा गर्भवती औरत हूँ, इसलिए मुझे कुछ खाने को दे दीजिए ना साहब, भगवान के लिए इस बच्चे के खातिर मुझे कुछ दे दो, नहीं तो मेरा बच्चा भूखा मर जाएगा। लेकिन फिर भी सुषमा की कोई मदद नहीं करता है। सुषमा ऐसे ही कई दिनों तक भूखे पेट भटकती रहती है। इधर कन्हैया भी सुषमा के जाने के बाद पूरी तरह से टूट गया था और उस बेचारे को तो यह भी नहीं पता था कि इस समय सुषमा कहाँ है और किस हाल में है। इस बात का फायदा उठाकर उसकी माँ बिमला ने अपने दोस्त की बेटी काजल को फोन किया। अरे काजल, मुझे लगता है वो आफत कहीं चली गई है। तेरे पास ये बहुत ही सुनहरा मौका है मेरे बेटे को सहारा देकर उसे शादी करने का। तुम समझ रही हो ना मैं तुमसे क्या कह रही हूँ? हाँ हाँ आंटी जी, मैं समझ गई, इसलिए मैं आज ही आ रही हूँ वहाँ पर। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। यह सुनकर बिमला बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि बिमला हमेशा से यही चाहती थी कि काजल और कन्हैया की शादी हो जाए, लेकिन आज बिमला और काजल के पास बहुत ही अच्छा मौका था। तभी काजल वहाँ तुरंत पहुँच जाती है और कन्हैया को तसल्ली देने लग जाती है। कन्हैया तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, फिर तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? कन्हैया तुम बस एक बार मुझसे शादी कर लो, फिर देखना मैं तुम्हारी सारी तकलीफों को कैसे दूर करती हूँ। लेकिन तब भी कन्हैया ने काजल पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। काजल ने कन्हैया को बरगलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कन्हैया ने काजल की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इधर सुषमा चलती रही, तभी शाम हो जाती है और वह चलते चलते बहुत ही ज्यादा थक जाती है और उसे चक्कर आने लगता है। तभी वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी सुषमा को ऐसा लगता है कि उसके पेट में से उसके बच्चे की आवाज आ रही है। माँ तुम हिम्मत मत हारो, हम लोग जल्दी ही घर पहुँच जाएंगे, माँ तुम बस चलती रहो। यह सुनकर सुषमा को भी थोड़ी सी हिम्मत आ जाती है और सुबह भी हो जाती है। तभी एक होटल के बाहर सुषमा खड़ी होती है और देखती है कि एक आदमी खाना खाकर बचा हुआ खाना डस्टबिन में फेंक देता है। तभी सुषमा उस खाने को डस्टबिन में से उठाकर खाने लगती है। ऐसे ही सुषमा के दिन गुजरने लगे। वह दिन भर चलती और रात में कहीं बैठकर कन्हैया को याद करके रोने लगती, और इधर कन्हैया भी उसकी याद में रोता रहता था। लेकिन घर पर बिमला और काजल की बकवास सुन सुनकर उसका भी दिमाग खराब होने लगा, क्योंकि काजल उसे रोज ही अपने बातों में बहलाने लगी। और इधर रात में सुषमा एक पेड़ के नीचे बैठी थी, तभी अचानक उसके पेट में जोर से दर्द होने लगा। बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है, हे कान्हा जी मेरी मदद कीजिए। इतना बोलकर सुषमा रोए जा रही थी, तभी वहाँ से एक परी गुजर रही थी। सुषमा की हालत देखकर परी को उस पर बहुत ही दया आ जाती है और वह परी एक डॉक्टर का रूप लेकर उसके सामने आती है। सुषमा तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। सुषमा चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो जाती है और डॉक्टर के रूप में आई हुई परी उसकी अच्छे से डिलीवरी करवाकर उसके बच्चे को बचा लेती है। सुषमा ने एक बहुत सुंदर से बेटे को जन्म दिया था और उसी के तुरंत बाद
वह परी वहाँ से गायब हो जाती है। सुषमा जैसे ही अपने बेटे का चेहरा देखती है तो उसे एक नई उम्मीद मिलती है और वह अपने बेटे को गोद में लिए फिर से चलने लगती है। उसका बेटा भूख से रोने लगता है, तभी रास्ते में कहीं रुककर सुषमा उसे दूध पिलाने लगती है। यह सब देखकर रास्ते के लोग उस पर हंसने लगते हैं, लेकिन सुषमा ने हार नहीं मानी। वह चलती रही और ऐसे ही करते करते कई महीने बीत जाते हैं और उसे घर से दूर हुए पूरे एक साल गुजर जाता है, लेकिन आज वह अपने शहर पहुंच ही जाती है। इतने दिनों का सफर आखिर अब सफल हुआ भगवान, अब बस मुझे अपने घर लौटना होगा। कन्हैया जी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आज होली के दिन ही मैं उनसे बिछड़ गई थी और आज ही के दिन मैं वापस आ रही हूँ। इधर कन्हैया सुषमा का इंतजार कर रहा था। कन्हैया को पूरा यकीन था कि उसकी सुषमा एक दिन लौटकर उसके पास जरूर आएगी, लेकिन बिमला और काजल से अब और इंतजार नहीं हो रहा था। अगले ही दिन होली थी, तभी बिमला ने काजल से कहा, काजल ये सही मौका है, होली के दिन तुम लाल गुलाब की जगह सिंदूर लेकर कन्हैया के पास जाना और उससे अपनी मांग भरवा लेना। फिर क्या हो जाएगी तुम दोनों की शादी, फिर देखती हूँ कन्हैया तुझे कैसे नहीं अपनाता है। काजल को भी यह आइडिया बहुत ही पसंद आता है और वह थाली में लाल गुलाल की जगह सिंदूर रख लेती है और अगले दिन का इंतजार करने लगती है। इधर होली वाले दिन कन्हैया घर के बाहर बैठकर सुषमा को याद कर रहा था, तभी काजल वहां पर आती है। काजल के हाथ में लाल गुलाल के बदले सिंदूर होता है और वह कन्हैया से कहती है, कन्हैया आज तो होली है तो क्या तुम मुझे रंग नहीं लगाओगे, मेरे गालों पर, मेरे बालों पर, मेरी मांगों में। ये तुम क्या बकवास कर रही हो काजल। अरे बेटा ठीक ही तो कह रही है, आखिर कब तक इंतजार करेगा उस मनहूस सुषमा का, वो कभी लौट कर नहीं आएगी। हाँ कन्हैया प्लीज मुझसे शादी कर लो। तभी काजल ने कन्हैया का हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती रंग लगवाने की कोशिश करने लगी। इसी बीच सुषमा इतने महीनों के बाद अपने बेटे को लिए अपने घर पहुंच गई। कन्हैया मैं वापस आ गई कन्हैया। सुषमा को इस हाल में देखकर सभी चौंक जाते हैं। सुषमा को देखकर तो कन्हैया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। सुषमा तुम वापस आ गई। सुषमा तुम कहाँ चली गई थी? सुषमा मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, पर तुम मुझे कहीं नहीं मिली। यह बोलकर कन्हैया भागकर सुषमा को गले से लगा लेता है। तभी सुषमा कहती है, कन्हैया यह लो यह तुम्हारा बेटा है। कन्हैया खुशी के मारे अपने बेटे को गले से लगा लेता है और फिर से होली वाले दिन उसका परिवार एक हो जाता है। लेकिन बिमला और काजल उनकी इस खुशी को देख नहीं पा रही थी, इसलिए वह लोग अपना बैग उठाकर वहां से फिर से चले जाते हैं और कन्हैया अपने परिवार को फिर से पाकर बहुत ही खुश हो जाता है और अपनी पत्नी और बेटे के संग खुशी खुशी होली का त्योहार मनाता है। मधु अपनी माँ प्रतिमा के साथ एक छोटे से घर में हंसी खुशी रहती थी। 2 साल पहले किसी हादसे में प्रतिमा के पति का मृत्यु हो गया था, जिसके बाद प्रतिमा पूरी तरह से अकेली हो गई थी और अब वो अपना पूरा समय और पूरा ध्यान अपनी बेटी मधु पर देती थी। मधु शहर के बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ती थी, वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी। मधु के स्कूल चले जाने के बाद प्रतिमा अपने घर का सारा काम खत्म करके अपने घर के पास ही एक छोटा सा होटल खोलकर उसमें कचौड़ी बेचने का काम किया करती थी। प्रतिमा को बहुत ही अच्छा कचौड़ी बनाने आता था। पति को गुजर जाने के बाद प्रतिमा का कचौड़ी बेचना ही कमाई का एकमात्र जरिया बचा था। कचौड़ी बेचकर ही प्रतिमा अपने घर का गुजारा करती थी। वहीं दूसरी तरफ मधु के स्कूल में सोनाली नाम की एक लड़की पढ़ती थी। सोनाली उस शहर के जाने माने डॉक्टर शुक्ला जी की बेटी थी। वो बहुत ही ज्यादा घमंडी और बिगड़ैल बदतमीज लड़की थी। वो हमेशा मधु को परेशान करती थी। एक दिन मधु स्कूल में पढ़ने के लिए जाती है, तभी सोनाली मधु को देखकर बोलती है, ये देखो जरा कचौड़ी वाली की बेटी इतने बड़े स्कूल में पढ़ने आई है
अरे मधु, घर पर रहकर अपनी माँ के साथ तू भी कचौड़ी बेचा कर। इतनी हाई फाई स्कूल की पढ़ाई तुम जैसे गरीब कचौड़ी बेचने वालों के लिए नहीं है। इतना बोलकर सोनाली अपनी सहेलियों के साथ ठहाके मारकर हंसने लगती है। तभी मधु बोलती है, सोनाली मैं क्या करूँगी नहीं करूँगी ये बताने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तुम बस अपनी पढ़ाई की फिक्र करो, हम गरीब लोग एक वक्त की रोटी खाकर भी अपनी पढ़ाई कर लेंगे। फिक्र तो तुम करो जो इतने ऐशो आराम के बाद भी हर बार एग्जाम में हर सब्जेक्ट में जीरो मार्क्स लाती हो। इतने में क्लास में टीचर आ जाती है और सभी बच्चों का होमवर्क चेक करती है। टीचर सभी बच्चों का होमवर्क चेक करने के बाद सोनाली को खूब डांट लगाती है। सोनाली तो तुम आज भी होमवर्क करके नहीं लाई। सोनाली थोड़ा पढ़ाई में भी ध्यान दे दिया करो, पढ़ाई लिखाई में तुम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हो। अरे तुम अपनी क्लास की लड़की मधु को देखो, इस बेचारी के तो पापा भी नहीं है फिर भी पढ़ाई में कितनी अच्छी है। तुम्हारे पास तो हर सुविधाएं हैं फिर भी तुम पढ़ाई नहीं करती हो। आज मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अगर इस बार एग्जाम में तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो मैं तुम्हारे पिता से तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी। सॉरी मैम, आप डैड को कुछ मत बताना, मैं आपसे मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। सोनाली की ये बातें सुनकर क्लास के सभी बच्चे हंसने लगते हैं। ये सब देखकर सोनाली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तभी सोनाली बोलती है, और जिस कचौड़ी वाली की वजह से मुझे इतना कुछ सुनना पड़ा, मुझे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है इसलिए मुझे पढ़ाई लिखाई करने की भी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इस कचौड़ी वाली के बच्चे को सबक सिखा कर रहूंगी। अगले दिन जब मधु स्कूल जाती है तभी रास्ते में सोनाली अपने कुछ सहेलियों के साथ खड़ी रहती है और वो जानबूझकर मधु को धक्का देकर नीचे जमीन पर गिरा देती है। तभी मधु सोनाली से बोलती है, अरे सोनाली तुमने मुझे धक्का क्यों दिया, मैं तुम्हारी शिकायत प्रिंसिपल मैम से कर दूंगी। अच्छा तू तो मेरी शिकायत प्रिंसिपल मैम से करेगी, खुद तो चलने आता नहीं और बड़ी ही शिकायत करने वाली। तुम लोग बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, क्या मैंने इस कचौड़ी वाली को धक्का दिया? अरे नहीं नहीं सोनाली ने तुम्हें धक्का नहीं दिया है। सुन लिया तूने, मैंने तुम्हें कोई धक्का नहीं दिया। अब तू चाहे कोई भी मैम को बोल ले, कोई तुम्हारी बातों का यकीन नहीं करने वाला, समझी? ये कहकर सभी बच्चे मधु पर हंसने लगते हैं। मधु को ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तभी सोनाली मधु से बोलती है, अब तू मुझे आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रही है, चल निकल यहाँ से। मधु बिना कुछ बोले गुस्से से वहाँ से चुपचाप चली जाती है। तभी सोनाली अपने दोस्तों से बोलती है, अरे जरा घमंड तो देखो इस कचौड़ी वाली की, कितनी अकड़ है इसमें। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो सोनाली, हमें इसके घमंड को चूर करना ही होगा। तुम लोग बस मेरे साथ रहना, मैंने भी इस कचौड़ी वाली को जमीन पर लाकर नहीं पटका तो मेरा नाम भी सोनाली नहीं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन सोनाली का जन्मदिन आता है। सोनाली के घर वालों ने सोनाली के जन्मदिन पर उसके कमरे को बहुत ही अच्छी तरह से डेकोरेट किया था। सोनाली जब सो ही रही थी तभी सोनाली की माँ सावित्री सोनाली को बर्थडे विश करने आती है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर सोनाली। थैंक यू माँ, अरे वाह आपने मेरे लिए कितनी अच्छी डेकोरेशन करवाई है, थैंक यू सो मच मॉम, आप दुनिया की सबसे बेस्ट माँ हो। बेटा ये तो कुछ भी नहीं है, आज शाम को मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है, अब जाओ तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और तुम चाहो तो अपने दोस्तों को भी इस पार्टी में इनवाइट कर सकती हो। सोनाली तैयार होकर स्कूल चली जाती है और अपने दोस्तों से कहती है, अरे तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनना, आज मेरा जन्मदिन है और मेरे लिए मेरी माँ पापा ने बहुत बड़ी पार्टी रखी है, इसलिए आज शाम को तुम लोग मेरे घर पर जरूर आना, और हाँ कचौड़ी वाली तुम भी जरूर आना। ठीक है सोनाली मैं आ जाऊंगी, वैसे तुम्हें जन्मदिन मुबारक हो। हाँ हाँ ठीक है, और सुनो जरा कपड़े थोड़ा ढंग कर पहन कर आना, अपनी ना सही कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल रख लेना। शाम को मधु एक सुंदर सा फ्रॉक पहनकर सोनाली के बर्थडे पार्टी में जाती है और मधु अपने मन में सोचती है, अरे वाह कितनी सुंदर और अच्छी पार्टी है, ऐसी पार्टी तो मैंने आज तक नहीं देखी। तभी वहां पर सोनाली आ जाती है और मधु से बोलती है, क्यों मधु तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह गई ना,
ऐसी पार्टी तूने जिंदगी में तो क्या कभी सपने में भी नहीं देखी होगी। और हाँ सुनो, अब तुम आ ही गई हो तो खाना खा कर ही जाना। और ये जो तुम अपने साथ में सस्ता घटिया सा गिफ्ट लेकर आई हो, उसे बाहर डस्टबिन में फेंक देना। मुझे तुम जैसे गरीब और घटिया लोगों के हाथ से गिफ्ट नहीं पसंद है, समझी। इतना बोलकर सोनाली वहाँ से चली जाती है। मधु को अपनी बेइज्जती होता देख बहुत बुरा लगता है। थोड़ी ही देर में सोनाली केक काटती है और सभी को केक खिलाती है। मधु एक कोने में खड़ी होकर चुपचाप देखती रहती है। तभी सोनाली केक लेकर मधु के पास आती है। मधु ये लो केक खा लो, तुम्हारा केक खाने का बहुत मन कर रहा होगा ना, क्योंकि तूने इतना महंगा केक तो कभी खाया नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं आज खा लो। मधु जैसे ही केक लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, सोनाली केक को हाथ से छोड़ देती है और वो जमीन पर गिर जाता है। फिर सोनाली उस केक को पैर से मिसल देती है और मधु से बोलती है, ओहो ये केक तो जमीन पर गिर गया, लेकिन कोई बात नहीं तुम एक काम करो, तुम इस केक को उठा कर खा लो। बहुत हो गया सोनाली, मैं गरीब हूँ लेकिन कोई कुत्ता नहीं, समझी। अच्छा तो तुम मुझे सिखाएगी, ज्यादा बोल मत, चुप कर जा, आज मेरा जन्मदिन है। अपने जन्मदिन पर तो एक चॉकलेट तक नहीं खिलाती और तुम मुझसे उम्मीद करती है कि मैं तुम्हें केक खिलाऊंगी, वो भी इतना महंगा। चल भाग यहाँ से भिखारिन कहीं की। सोनाली तुम अपने आप को समझती क्या हो, तुम देख लेना इस बार मैं अपने जन्मदिन पर तुमसे भी बढ़िया और बड़ा केक मंगाऊंगी, और तुम भी मेरे जन्मदिन पर जरूर आना और खुद अपनी आंखों से देख लेना कि मैं भी अपना जन्मदिन कैसे धूमधाम से मनाती हूँ। केक तो दूर, अगर तुम्हारे जन्मदिन पर एक छोटा सा पेस्ट्री भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। ये सुनकर मधु गुस्से में घर आ जाती है। अपनी बेटी मधु को गुस्से में देखकर प्रतिमा मधु से पूछती है, क्या बात है मधु, तुम इतने गुस्से में क्यों हो बेटा। माँ आप कभी भी मेरा जन्मदिन नहीं मनाती हो, इसलिए सब लोग मेरा बहुत मजाक बनाते हैं। माँ एक महीने बाद मेरा भी जन्मदिन आ रहा है, क्या आप इस बार मेरे जन्मदिन पर एक सुंदर सा गाउन और एक बड़ा सा केक लाकर नहीं दे सकती। मैं भी अपने दोस्तों को दिखाना चाहती हूँ कि मेरे माँ बाबा भी किसी से कम नहीं है। माँ आप मेरे लिए गाउन और केक लेकर आओगी ना। इतनी सी बात के लिए मेरी सोना बेटा ने मुंह बना रखा है, तुम देखना इस बार मैं तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हारे लिए एक सुंदर सा गाउन और एक बड़ा सा केक लेकर जरूर आऊंगी। अब चलो हंसो हंसो। और फिर दोनों माँ बेटी हंसने लगती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन सोनाली मधु से कहती है, अरे ओ कचौड़ी वाली, आज तो तुम्हारा जन्मदिन है ना, तो तुम्हें अपना शर्त याद भी है या भूल गई। सोनाली तुम मुझे मत बताओ, मुझे अच्छे से याद है कि आज मेरा जन्मदिन है और आज मेरी माँ को बहुत सारे कचौड़ी बनाने का ऑर्डर मिला है। इस बार मेरी माँ मेरे लिए एक सुंदर सा गाउन और एक बड़ा सा केक लेकर आएगी। और हाँ शाम को तुमसे मेरे बर्थडे पार्टी में जरूर आना और केक खा कर ही जाना। वहीं दूसरी तरफ मधु की माँ प्रतिमा बहुत सारे कचौड़ी बना रही होती है, लेकिन कचौड़ी लेने के लिए जिसने ऑर्डर किया था वो सोनाली की माँ ही होती है। तभी सोनाली अपनी माँ के पास जाती है और बोलती है, अरे मॉम आपने कचौड़ी के लिए किसी को ऑर्डर दिया है। मॉम ये छोटे और गरीब लोग रोड पर घटिया तरीके से कचौड़ी बनाते हैं, इनके कचौड़ी खाकर आप बीमार पड़ सकती हो। मॉम आप कचौड़ी के ऑर्डर को कैंसिल कर दो प्लीज। ठीक है बेटा जैसी तुम्हारी मर्जी। थोड़ी देर बाद प्रतिमा कचौड़ी लेकर सावित्री के घर आती है और सावित्री से बोलती है, ये लीजिए मैडम जी आपकी गर्मा गर्म कचौड़ियाँ, और आप मुझे जल्दी से पैसे दे दीजिए, मुझे जल्दी घर जाना है। किस बात के पैसे, ले जाओ अपनी कचौड़ियाँ, मुझे तेरी घटिया कचौड़ी खाकर बीमार नहीं पड़ना, मैं तो बस रेस्टोरेंट की कचौड़ी खाती हूँ, अब अपनी कचौड़ी ले और निकल जाओ यहाँ से। नहीं मालकिन ऐसा मत कहिए, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, मुझे उसके लिए एक गाउन और केक लेकर घर जाना है। मेरी बेटी घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी, प्लीज मालकिन आप ये कचौड़ी ले लीजिए, मैंने बहुत मेहनत से और अच्छे से बनाया है, अगर आपको यकीन ना हो तो आप खाकर देख लीजिए। अरे तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई हो, जब मैंने एक बार मना कर दिया तो बस कर दिया, एक बार में तुम लोगों को कुछ समझ नहीं आता है क्या।
ये सुनकर प्रतिमा उदास मन से कचौड़ी की टोकरी लेकर बाहर निकल जाती है और अपने मन में सोचती है, हे भगवान, अब मैं अपनी बेटी की इच्छा को कैसे पूरा कर पाऊंगी। एक काम करती हूँ, मैं इस कचौड़ी को गली गली जाकर बेच लेती हूँ। कचौड़ी ले लो, गर्मा गर्म कचौड़ी ले लो। तभी अचानक बहुत तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो जाती है और सारी कचौड़ी गीली हो जाती है। हे भगवान, आप मेरी ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं। अब मैं अपनी बेटी को क्या जवाब दूंगी। मैं किस मुंह से अब घर जाऊं। आपको जरा सी भी मेरी बेटी की खुशी नहीं देखी जा रही जो आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। तभी वहां पर एक सुंदर सी परी आ जाती है और प्रतिमा से बोलती है, अरे तुम्हारी कचौड़ी तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट दिखाई पड़ रहा है। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, क्या तुम मुझे अपनी कचौड़ी खाने दे सकती हो। माफ करना परी जी, ये कचौड़ी अब खाने के लायक नहीं बचा है, ये बारिश में भीग गया है। अच्छा, तो तुम थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करो और जब मैं बोलूं तो अपनी आंखें खोलना। तभी परी अपने जादू से सारे कचौड़ी को ताजा कर देती है और प्रतिमा को आंख खोलकर देखने को कहती है। अरे परी जी, ये सारी कचौड़ी फिर से ताजा और गर्मा गर्म हो गया है। परी जी, ये लीजिए, आप ये कचौड़ी खा लीजिए। तभी परी वहाँ पर बैठकर प्रतिमा के सारे कचौड़ी खा लेती है और प्रतिमा से बोलती है, प्रतिमा, तुम्हारे सारे कचौड़ी तो बहुत ही टेस्टी लगे, मुझे बहुत ही पसंद आया। अब मैं हर रोज तुम्हारे दुकान पर कचौड़ी खाने आया करूँगी। वैसे तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो। क्या बताऊं परी जी, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। और फिर प्रतिमा परी को अपनी सारी बातें बताती है। सारी बातें सुनने के बाद परी बोलती है, प्रतिमा, मैंने तुम्हारे हाथ के बने कचौड़ी खाए हैं, तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूं। और वैसे भी आज तुम्हारी बेटी का जन्मदिन है, तो जन्मदिन की पार्टी तो बनती है, तो तुम मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो, आज की पार्टी मेरी तरफ से रहेगी। फिर प्रतिमा परी को अपने साथ अपने घर लेकर जाती है। घर जाकर प्रतिमा अपनी बेटी मधु से बोलती है, मधु बेटा, देखो तुम्हारे जन्मदिन पर तुमसे मिलने कौन आया है। अरे, ये तो बिल्कुल परी की जैसी लग रही है। वाह माँ, आपने मुझे परी से मिलाया, इससे बढ़कर मेरे लिए खुशी की बात और हो ही नहीं सकती। जन्मदिन मुबारक हो मधु, और ये लो मेरे तरफ से उपहार। तभी परी अपने जादू से एक बहुत ही बड़ा जादुई केक और एक सुंदर सा सुनहरा गाउन प्रकट कर देती है। कुछ ही देर में सोनाली भी अपने दोस्तों के साथ मधु के घर आ जाती है और इतनी आलीशान पार्टी देखकर सोनाली हैरान रह जाती है और मधु से बोलती है, अरे मधु, ये सब तुमने किया है। नहीं, ये सब मेरी दीदी ने किया है। और हाँ, मेरे सभी प्यारे दोस्तों, केक काटने के बाद नाच गाना और खाना पीना सब है, तो अच्छे से सब लोग एंजॉय करके जाना। तभी वहाँ पर परी आ जाती है और सोनाली से बोलती है, सोनाली, मधु भी तुम्हारी तरह ही है, वो गरीब है, इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान नहीं है, वो भी अपनी माँ की लाडली बेटी है, तो तुम्हें इस तरह से किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सब अपनों के लिए खास होते हैं, तुम्हें गरीब अमीर सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। उस दिन के बाद से सोनाली और मधु एक अच्छा सा दोस्त बन जाते हैं और सारे बच्चे मिलजुल कर प्यार से रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती है आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।